गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं देवनंदन बोल रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल DNM टेक्नोलॉजी सपोर्ट में आप सबको स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक छोटा सा सब्जेक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक एंड्रॉयड PC भी है और ये थॉमसन का 43 इंच का सेट में लगा हुआ है। ये 4K वाला सेट है और इसमें जो ये प्रोसेसर लगा हुआ है देख पा रहा है, ये MediaTek ARM का प्रोसेसर लगा हुआ है और इधर ये EMMC भी लगा हुआ है, ये तोशिबा का EMMC IC लगा हुआ है। और मैं अभी जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्या ये जो बोर्ड है ये मेरा कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, ये एंड्रॉयड बोर्ड रिपेयर करने के लिए हम लोगों को मेनली इसका सॉफ्टवेयर इशू आता है, सबको ही पता है। तो एक जो मेन वाइटल पोर्शन होता है जो हम लोग रिकवरी मोड बोलते हैं, एक ऑप्शन है जिसको हम लोग कंप्यूटर थ्रू बोर्ड को कनेक्ट करते हैं और इससे हम लोग को क्या सुविधा होता है वो जानना है। तो ये जो बोर्ड चलते हैं ये अपना रूल्स में, जैसा कि ये प्रोसेसर और ये जो MMC है दोनों मिलके जो डाटा है उसी के हिसाब से बोर्ड चलते हैं। तो इसमें हम लोग कभी कभी ये भी कर सकते हैं, इस बोर्ड का जो प्रोसेसर है इसको हम लोग खुद का मर्जी पे भी चला सकते हैं, बाहर से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब इसको हम लोग बाहर से कुछ कमांड दे के भी इसको बाई फोर्स चला सकते हैं और जिसका रूट है कंसोल एंट्री। और ये कंसोल एंट्री जाने के लिए हम लोग को ये सीरियल टर्मिनल की ज़रूरत पड़ता है क्योंकि कंप्यूटर के साथ ये मदरबोर्ड को कनेक्ट करना है और जिसको कनेक्ट करने के लिए जो मीडिया रहेगा वो है TTL डिवाइस, USB to TTL डिवाइस, जो UART कनेक्शन थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं ये लैपटॉप और PCB को, जिसका थ्रू हम लोग बोर्ड को हम लोगों का कमांड से इसको कुछ बता सकते हैं और उससे कुछ पूछ भी सकते हैं हम लोग। तो ये मेनली नॉर्मली हम लोग ये जो रिकवरी मोड में जाने के लिए ये कंसोल एंट्री हम लोग बहुत कुछ काम पे यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मल टेक्नीशियन के पास सिर्फ कंसोल एंट्री और लोगो हैंग का केसेस में रिकवरी करना पड़ता है, वाइप डाटा को रीसेट करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग ये कंसोल एंट्री पे जाते हैं। तो कंसोल एंट्री हम लोग कैसे करते हैं और ये मैं दिखाऊंगा, ये थॉमसन का 4K सेट, ये जो MediaTek ARM लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में ये M-Star का टेक्नोलॉजी पे ही चल रहा है। तो इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, कोई भी पेड वर्सन छोड़ के नॉर्मल जो टर्मिनल है सीरियल टर्मिनल है उससे हम लोग कैसे इसको कनेक्ट करेंगे और कैसे इसको हम लोग खुद का कमांड से चालू कर सकते हैं और रिकवरी मोड में कैसे जा सकते हैं और बहुत कुछ होता है। कभी कभी इससे हम लोग इसका जो EMMC डाटा है इसको भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं पेन ड्राइव पर, जिसको डैम फाइल बोलते हैं और हम लोग कभी कभी जो डाटा इसमें चढ़ाते हैं पेन ड्राइव फाइल को वो कभी कभी सीधा नहीं लेते हैं, तो बाई टर्मिनल हम लोगों को इसको लोड करना पड़ता है। बहुत कुछ कारण में हम लोग ये कंसोल एंट्री पे जाते हैं। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ, क्या इस बोर्ड, ये थॉमसन का 4K का बोर्ड है ये जिसमें तोशिबा का EMMC लगा हुआ है, वो कैसे रिकवरी मोड में जाते हैं और कैसे कंसोल एंट्री होता है। तो ये बोर्ड मेरा कनेक्ट किया हुआ है ये मदरबोर्ड टेस्टर में, ये 4K का केबल लगा हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं और ये मेरा जो TTL डिवाइस है देख पा रहा है ये भी कनेक्टेड है। तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैं सीधा यहीं पे आप लोग देख पा रहे हैं ये जो पुट्टी है ये पुट्टी थ्रू मैं इसको कंसोल में लेके जाऊँगा। तो इसका दो चार वीडियो मेरा एक्चुअल में यूट्यूब में पड़ा हुआ है और इसलिए मैं इसमें शॉर्टली समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये पुट्टी को पहले खोलना है और इसको कैसे कॉन्फिगर करना है वो देखिए, पहले ये सीरियल पे हम लोग को जाना है और इधर जो कॉम अभी 1 लिखा हुआ है पहले हम लोग को ये कॉम पोर्ट चेक करना पड़ता है और मेरे सिस्टम के हिसाब में ये कॉम पोर्ट 3 में है तो मैं ये कॉम 3 कर रहा हूँ और इसके बाद इधर जो ये बॉड रेट है स्पीड है
इसको भी चेंज करना है जो है 115200। ये करने के बाद इधर ओके करना, ओपन करना है। ये ओपन करने से देखिए इधर हम लोग का एक ग्रीन सिंबल आएगा। ये ग्रीन सिंबल आ रहा है मतलब हम लोग का जो बोर्ड है, बोर्ड का जो RXTX है वो टर्मिनल थ्रू कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। तो अभी हम लोग इसमें कैसे कंसोल मोड पे जाएंगे ये देखना है। ये कंसोल मोड पे जाने के लिए एमस्टर का ही टेक्नोलॉजी पे ये कंसोल पे जाएगा। जैसे कि नॉर्मली ये जो कीपैड का एंटर बटन है इसको दबा के रखना है और इसका पावर ऑन करना है। अभी ये बंद कंडीशन में है तो मैं एंटर करके दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग को देखना है ये मदरबोर्ड और कंप्यूटर साइज से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। वो देखने के लिए हम लोगों को पहले इसका सीरियल प्रिंट चेक करना है। अभी ये बंद पड़ा हुआ है तो मैं इसमें सिर्फ नॉर्मली लाइन दे रहा हूँ। तो ये अभी स्टैंड बाई कंडीशन में है और इसका देखिए सीरियल प्रिंट आ चुके हैं। सीरियल प्रिंट आ गया मतलब ये साइज से कनेक्टेड हो चुका है। अभी हम लोग को इसमें कंसोल मोड पे जाना है और कंसोल मोड पे जाने के लिए हम लोग को इसका एंटर बटन दबा के रखना है और मेन पावर को ऑन करना है। तो ऑन हो गया और इधर जो कंसोल एंट्री हो गया है जहाँ पे लिखा हुआ है M7332 ऐसे लिखा हुआ है। तो बोर्ड मेरा अभी भी स्टैंड बाई कंडीशन में है लेकिन ये कंसोल एंट्री हो गया है। तो अभी देखिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था तो बोर्ड को कैसे इसका जो प्रोसेस है ये अपना हाथ में कैसे ले सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए मैं देखिए ये बोर्ड बंद पड़ा हुआ है तो मैं इसमें कुछ कमांड लिखूंगा मतलब ये अभी मेरे बात सुनने के लिए तैयार हो गया है। तो मैं पहले इसका पैनल को ऑन करूंगा और ऑन करने से इधर आपको दिखाई देगा इसका रेजोल्यूशन क्या है, पैनल जो ऑन हुआ है क्या डाटा वो बाईपास कर रहा है वो दिखाई देगा। तो जिसके लिए मैं इसमें एक कमांड लिख रहा हूँ पैनल इनिट, छोटा में लिखना है और इसमें एंटर कर। इसमें 3840x2160 का जो 8-lane V/1 का मतलब ये 4K का कंपोजिशन में ये स्टार्ट हो चुका है। बाकी ये ऑन हो गया है आप लोग देख पा रहा है, इसमें रेजोल्यूशन दिखाया था और ये स्टैंड बाई इंडिकेटर्स ग्रीन भी हो गया है। तो अभी मैं इसको और भी एक कमेंट दे रहा हूँ ताकि इसका इसमें क्या लोगो है वो भी हम लोग देख पाए। तो जिसके लिए मैं और एक कमेंट लिख रहा हूँ बूट लोगो। ये जो मैं कमांड दे रहा हूँ ये अलग अलग जो MMC IC है, अलग अलग जो CPU IC के उसी के हिसाब से CPU IC के ऊपर ही डिपेंड करके ये कमांड हम लोग को देना पड़ता है। वो भी हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा कमांड से क्या काम होगा। तो मैं बूट लोगो दबाया और इधर देखिए ये थॉमसन का है, थॉमसन का जो लोगो है वो आ चुका है और ये अभी डिविजन पर है। इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, सिंगल पार्ट में कर लिया, ये थॉमसन हो गया है। तो ऐसे ही हम लोग बहुत कुछ इसमें हम लोग कंप्यूटर थ्रू इसको चला सकते हैं। अभी ये खुद का मर्जी पे नहीं चल रहा है, मैं जैसे बता रहा हूँ उसको ये वैसा ही सुन रहा है। तो मैं और ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ इसमें कंसोल एंट्री से रिकवरी मोड में कैसे जाता है। तो रिकवरी मोड का भी अलग अलग कमांड होता है, ये प्रोसेसर का अकॉर्डिंग ही होता है। तो मैं इसमें नॉर्मली लिख रहा हूँ रिकवरी, उसके बाद एंटर करना है और ये एंटर होने के बाद अभी देखिए 4 block write-in ओके ये लिखा दिख रहा है मतलब ये रिकवरी मोड का कमांड लिया। अभी इसमें और अगर क्या करना है रीसेट करना है और एंटर करना है। अभी ये सेट रिकवरी मोड में जाएगा लेकिन इसमें एक सिस्टम किया हुआ है, या तो ये ऑटोमेटिक रिकवरी मोड में रिकवरी कर लेते हैं। अभी इसमें दिखा रहा है नो कमांड, इसमें रिकवरी का कुछ कमेंट दिया हुआ नहीं है। जिसमें रिकवरी का कमेंट दिया हुआ रहेगा वो चार्ट आपको दिखाई देगा इधर। तो ऐसे ही जो ये मदरबोर्ड कंप्यूटर ये कैसे कनेक्ट होता है, कंसोल थ्रू हम लोग कैसे बोर्ड के साथ बाहर से हम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसका ये जो तरीका है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन शायद आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।
फॉर वॉचिंग माई वीडियो।